ये है कि मैं इंडस्ट्री में अभी मेरी डिब्यूट फिल्म आ रही है शर्मा जी की लग गई, और माय नेम इज़ मीनी बंसल। तो मैं इसमें वन ऑफ द लीड का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ आफ्टर मुग्धा गोडसे, जिसमें कृष्णा जी हैं और ब्रजेंद्र काला जी हैं, मुग्धा हैं और काफ़ी नॉन आर्टिस्ट हैं। तो किस तरह का कैरेक्टर है आपका इसमें, क्या बोलना चाहेंगे? इसमें जो मेरा रोल है वो एक काइंड ऑफ बोल्ड कैरेक्टर है, एक चुलबुली लड़की है जो कृष्णा जी के साथ और बिजेंद्र काला जी के साथ ऑफिस का सारा वर्क संभालती है। तो काफी कॉमेडी है, क्या काफी फनी है ये रोल। तो ये मूवी करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर करना चाहेंगे? ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि मीन्स हम जब कोई सीन करते थे ना, हम ही इतना हंसते थे ना कि मतलब डायरेक्टर भी हंस हंस के लौट पड़ कहते कि प्लीज आप सीरियस होके ये सीन करो। तो मतलब सीरियस होना बहुत मुश्किल हो रहा था वहां पर, तो सीन करते वक्त। अपने कोस्टर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कोस्टार तो बहुत ही, मतलब वो तो बहुत लेजेंड पर्सनैलिटीज़ हैं। मुझे ये मेरी डेस्टिनी है कि मुझे उनके साथ काम करने का एक मौका मिला, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और 15 मार्च को ये रिलीज़ हो रही है मूवी शर्मा जी की लग गई, ऑल ओवर थिएटर्स। तो ये आपका बॉलीवुड में फर्स्ट मूवी है, या क्या बोलना चाहेंगे? ये मेरी फर्स्ट मूवी रिलीज हो रही है। इसके बाद मैंने गोविंदा जी के साथ मूवी की है जिसका नाम है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। इसमें मैं मकरंद देश पांडे जी के ऑपोजिट हूँ। वो भी आफ्टर होली रिलीज में भी हो जाएगी। ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो मूवी। मामा भांजे के साथ काम कर चुकी। बिल्कुल। दोनों में क्या फर्क है कुछ? दोनों कार मतलब कोई डिफरेंट है ही नहीं, दोनों ही टैलेंटेड है, दोनों ही इतने फ्रेंडली हैं। उनसे जितना सीखने को मिलता है ना, वो लगता है ऐसा कि बहुत कम है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोनों के साथ काम करके। आपको एक शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड भी मिल चुका है, इसके बारे जी में क्या बोलना चाहेंगे? मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ गॉड का कि मुझे शॉर्ट फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला मुंबई फिल्म फेस्टिवल में। और सीरियसली मेरा वो लाइफ का बहुत ही हैपनिंग मोमेंट था। और उसके पहले मैंने क्राउन भी विन किया है मिस रायगढ़ 2014। एंड देन तो अवॉर्ड्स का तो ये है सिलसिला मेरा। अपने बारे में बताना जो मैडम, आप कहाँ से हैं, फिल्मों में आने का जो सफर रहा, कैसे एंट्री हुई, अब तक का सफर कैसा रहा? मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, और फिल्मों में आने का तो मेरा कभी कोई था ही नहीं कि मैं कभी आऊँगी। बट मैं बचपन से ही डांसिंग को, मतलब डांसिंग का मुझे बहुत शौक था। तो मैं हमेशा कोई भी जो हमारे माधुरी जी हैं या कोई भी एक्ट्रेस है, मैं उनको देख देख के छुप छुप के डांस करती थी। तो ऐसे ही अपने गली के, मतलब अपने जो पड़ोस के बच्चे होते हैं, उनको डांस सिखाती थी। तो देन स्टडी के साथ साथ मैंने साध्या डांस एकेडमी को ज्वाइन किया, जहाँ से मैंने कंटेम्प्रेरी डांस, बॉलीवुड डांस, काफ़ी फॉर्म्स मैंने वहाँ से सीखी, और मुझे वहाँ पे फर्स्ट टाइम अवॉर्ड मिला था। यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस लेवल तक पहुँचने के लिए कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? स्ट्रगल तो ऑफ कोर्स होता ही है, स्ट्रगल तो ऐसा नहीं है, स्ट्रगल तो मेरे ख्याल से चलता ही रहेगा। और बस काम को एंजॉय करती हूँ, काम को अच्छे से अपना जितना जो मुझे दिया गया उसको 100% निभाने की कोशिश करती हूँ। ड्रीम की बात की जाए तो आपका ड्रीम क्या है, किस तरह का किरदार आपने जीना चाहते हैं? मैं तो सारे तरह के कैरेक्टर करना चाहती हूँ। मुझे कॉमेडी भी पसंद है, मुझे एक्शन भी पसंद है, मुझे हर तरह के रोल पसंद, चैलेंजिंग रोल मुझे बहुत पसंद है। तो आगे चल के इमेज बनाने वाली बात होती, तो किस तरह से इमेज बनाना पसंद है? मैं चैलेंजिंग रोल करना चाहूंगी, मुझे चैलेंजिंग रोल ही बहुत पसंद है। और जो मेरी ब्लाइंड विंडो है वो एक चैलेंजिंग रोल ही था, जिसके लिए मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब अवॉर्ड मिल गया। जैसे कि रेखा जी की बात की जाए, माधुरी जी की बात की, हेमा जी की बात की, जो लीजेंड है, बहुत लेजेंड है। हाँ, उन्होंने एक छाप छोड़ी हुई है, किसी का एक्शन है, किसी का डांस है, तो आपको क्या ज्यादा पसंद है? मल्टी टैलेंटेड, मल्टी वर्क। अब तक जो सफर रहा उसमें सपोर्ट किनका ज्यादा मिला आपको? मेरी मम्मी का, मेरी मम्मी का और भगवान का, मेरी फैमिली का। बाकी मैंने अपना काम पूरा दिल से किया है, तो जिनके साथ भी काम किया है होपफुली कि सब मुझसे, मेरे काम से बहुत खुश हैं, और मैंने रिपीट भी किया है उनके साथ काम। फिल्म इंडस्ट्री बात की है तो सबसे ज्यादा किनका सपोर्ट रहा है? सबका ही रहा है, जिनके साथ काम किए सबका रहा है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सीखते हैं। मैं अपने आप को एक लर्निंग आर्टिस्ट समझती हूँ, और अब
फाइनली मेरी मूवी रिलीज हो रही है, तो एक मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि सभी जो दर्शक हैं, सभी कृष्णा जी के चाहने वाले हैं, मुग्धा जी के चाहने वाले हैं, बिजेंद्र काला जी के चाहने वाले हैं, और ऑफ कोर्स थोड़े बहुत मेरे चाहने वाले हैं, तो सभी 15 मार्च को मूवी देख के आए। और वो जो पूरे ऑल ओवर थिएटर्स में लगने वाली है, कम से कम 300-350 थिएटर्स में वो रिलीज हो रही है ऑल ओवर इंडिया। बॉलीवुड में ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आपको काम करने का बहुत ही इच्छा है, क्या बोलना जी? मुझे रणवीर सिंह मतलब एक मेरा क्रश है कि मुझे रणवीर सिंह के साथ काम करना है, बाकी मुझे सभी आर्टिस्ट के साथ काम करना है, मैं तो यही चाहती हूँ। अपना आइडल किसको मानते हैं? एज एन एक्टर आइडल, आइडल मेरी है माधुरी जी हैं, और प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनावत जी। शूटिंग की जो फिल्म रिलीज हुई थी, शूटिंग की कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे? यादें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितना भी मेरे दिन मेरा काम था, जितने भी शेड्यूल लगा, सब यादें ही हैं, बहुत हंसी मजाक। इसमें हिमानी शिवपुरी जी भी हैं, और सुनील पाल जी हैं, मुश्ताक खान जी हैं, मतलब सभी एक बड़े दिग्गज कलाकार हैं। मैं तो जिनके साथ बैठती थी, मैं सिर्फ हंसती रहती थी, मुझे हंसने के अलावा कुछ नहीं समझ में आता था। आप 15 मार्च को मूवी जरूर देख के आइए, और मैंने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपको ऑल ओवर मूवी में दिखाई देने वाली हूँ। बेशक से ये मूवी मुग्धा जी के अराउंड है, बट डेफिनेटली मेरा रोल भी बहुत पावरफुल है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। शर्मा जी की लग गई है, इसके अलावा और कोई भी रनिंग प्रोजेक्ट है आपका, क्या बोलना चाहिए? रनिंग तो वेब सीरीज कर रही हूँ मैं, और मेरी शॉर्ट फिल्म्स भी काफ़ी यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी। मैंने गोविंदा जी की मूवी का एक आपको जिक्र किया, बाकी एक मूवी और मेरी कंप्लीट है, बट मैं उसके बारे में अभी इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन में है। गोविंदा सर के काम सर के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा, यही ब्रिलियंट, थैंक्स टू गॉड। ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपको मतलब करना ज्यादा ये है कि जैसे आपने बोला आपको कॉमेडी करना पसंद है या फिर सीरियस वाला, तो आपका कोई ड्रीम है कि ऐसा कैरेक्टर मुझे प्ले करना है कुछ? मुझे चैलेंजिंग ही करना है, मुझे वैसे तो फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट बहुत पसंद है, बट मुझे जो एक होता है ना कि सब चीज़ सारे रोल्स में मैं मतलब कंफर्टेबल हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर कॉमेडी है तो कॉमेडी में भी मैं कंफर्टेबल हूँ, ये है। बट जो दिल का है कि एक चैलेंजिंग रोल मुझे मिले तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ। लास्टली दर्शकों से क्या बोलना चाहेंगे? यही कि प्लीज 15 मार्च को मेरी मूवी रिलीज हो रही है, शर्मा जी की लग गई, और आप लोग प्लीज एक बार थिएटर में जाके जरूर देखिएगा, आपका लव और सपोर्ट्स मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग होगा। थैंक यू।